आप क्या अपनी हंसी को रोक सकते हो? अगर कर सकते हो ना तो ट्राई करो, इस वीडियो में अपनी हंसी को रोको, ठीक है? ट्राई टू डोंट लाफ वाइल वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। तो दोस्तों, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? कोरोना के कितने सारे केसेस आ रहे हैं और ये कोरोना के बच्चे अल्फा, बीटा, डेल्टा, ओमिक्रॉन तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। और ये सबसे छोटा बच्चा ओमिक्रॉन तो यार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, धड़ाधड़ 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 फैलता ही जा रहा है। अरे वो कोरोना भाई, भाई थोड़ा तो संभालो अपने बच्चों को, थोड़ा तो कंट्रोल करो यार। लोग ना मास्क पहन पहन कर ना थक गए हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी मास्क हमें पहन कर ही रखना चाहिए, क्या पता कोई लोग कहीं भी कभी भी वो कर दे तो क्या करेंगे। अगर आपको ना पता हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो में ये लड़की को मास्क पहना रही है क्योंकि इस लड़की को पता है कि मैं ना वो करने वाली हूँ वो। लेकिन ये लड़का मानने को ही तैयार नहीं है, इसको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन ये लड़की जब भी वो करेगी ना तब उसको पता चलेगा। अरे वो दीदी, करो आप करो, मैं बैठा हूँ, कौन आपको रोकता है, मैं देखता हूँ। करो आप बिंदास करो, अपनी ताकत दिखाओ आज आप। और अब ना ये लड़की वो करेगी जो उसे करना चाहिए था। अरे भाई आप मास्क छोड़ दो, चलो मास्क को भूल जाते हैं। लोग अपने आप को ना सैनिटाइज कर करके भी थक गए हैं, अब कितनी देर तक करते रहे। हाँ तो दोस्तों, आपके सामने ना अभी एक वीडियो आएगा, उसमें आप देखोगे ना तो सरकारी कर्मचारी लोग सबको मास्क बांट रहे हैं, सबको सैनिटाइज करवा रहे हैं। और ये दोस्तों मैं क्या देख रहा हूँ, ये भाई यार इतना घंटा गए हैं कि अपने हाथों को सैनिटाइज करने के बजाय ये सैनिटाइजर पी रहे हैं प्रसाद समझ के। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए आप कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं, बराबर, तो आप क्या करोगे वहां पर जाकर? आप फोटोज खींचोगे, वीडियोस बनाओगे, व्लॉग्स बनाओगे ताकि आप स्टेटस रख सको, सोशल मीडियाज पर अपने वीडियोस या फिर व्लॉग्स अपलोड कर सको। आप वीडियोस या फोटोज जो भी खींचते हो वो यार अच्छा तो होना चाहिए यार, थोड़ा ढंग का तो होना चाहिए। आपको ना व्लॉग्स और वीडियोस बनाना आता है कि नहीं? और अगर आप व्लॉग्स बनाना चाहते हो ना तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाओ, आपका फोकस ना सिर्फ और सिर्फ आपके कैमरे के ऊपर ही होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आएगा तो ही आप करो, तो ही आप बनाओ। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो मत करो यार, क्यों कर रहे हो? नहीं आता है तो फिर क्यों बना रहे हो? अगर आपको नहीं आता है तो क्यों बना रहे हो? क्यों किसी की हंसी का मजाक बन रहे हो? हंसी का मजाक, हाँ मतलब कि क्यों यार लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं यार, ऐसा मत करो प्लीज़। आप ये वीडियो देख सकते हो और मैंने जो बातें कही है वो ध्यान में रखना भाई, रखो यार ध्यान में रखो। ध्यान रखो भाई, आप इसके ऐसे मत करना, वीडियोस तो बाद में भी बनेंगे लेकिन अपना पहले ध्यान रखा करो यार। आप लोग तो यार आदि करते हो यार, हाँ अगर आप में से कोई मैकेनिकल अगर इंजीनियर हो ना तो मेरी बात यार कान खोल के सुनो यार। मैं जानता हूँ यार कि आजकल मैकेनिकल इंजीनियर्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है, जीरो है। भले ही आपको कुछ भी ना आता हो, आपको जॉब्स भी ना मिल रही हो, लेकिन आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो होगा ही होगा। अपने अंदर झांको, कहीं और बाहर झांकने के बजाय अपने अंदर झांको, अपने अंदर के हुनर को पहचानो और उसको बाहर लाओ। और आप में से कई लोग ऐसा कहेंगे कि मैंने अपने अंदर तो बहुत देखा, मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत सोचा, लेकिन मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई भी हुनर नहीं है, मैं कुछ इनोवेटिव और कुछ नया सोच ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको जो लग रहा है ना वो गलत लग रहा है, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही। आप ये वीडियो भी देख सकते हो। देखा ना दोस्तों, इसने कितना इनोवेटिव सोचा। अगर आपके पास बेल्ट ना हो या फिर अपने पजामे का नाड़ा ना हो तो आप बॉटल और उसके ढक्कन का भी यूज़ कर सकते हो। आप ये बॉटल और ढक्कन का यूज़ करके इस तरह से कुछ नहीं बनाकर कुछ नया इनोवेशन नहीं कर सकते? कर सकते हो यार, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही। कमेंट करो कि आपके अंदर क्या है। तो चलो यार, छोड़ो इन सारी बातों को, छोड़ो, जाने दो, आपसे कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, आप में से अगर कोई मैरिड लाइफ हो किसी की, मतलब कि जो लोग शादीशुदा है, तो मास्क पहनकर और सैनिटाइज होकर मेरी बात सुनो यार। ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यार? सारा जिसको भी देखो, हर कोई अपनी बाई से, मतलब कि बीवी से, बीवी से परेशान है। अरे भाई क्या आपको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है? अरे यार उसको आप ही तो लेकर आए हो, आप ही तो पकड़ के लाए हो कि भाई आओ मेरे घर में, मेरे घर में रहो, मेरा काम करो। आप जो बोलते हो वही तो वो काम करती है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? उसने क्या आपको मारा है, पीटा है, जलाया है, भाई क्या किया है? क्यों आप परेशान हो भाई, प्रॉब्लम क्या है वो तो मुझे बताओ। लेकिन यार ऐसा मत करो यार,
आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ यार, मैं ट्राई करता हूँ, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। लेकिन यार इस तरह की हरकत मत करो यार, प्लीज़ यार। अरे भाई आप इस तरह की हरकत मत करना भाई, आप अपनी बीवी से परेशान हो, आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, इस तरह की हरकत मत करना प्लीज़। प्लीज़ डोंट डू दिस टाइप ऑफ स्टंट फॉर योर वाइफ एंड एनी अदर योर वाइफ एंड एनी अदर योर गर्लफ्रेंड, ओके। तो दोस्तों वीडियो में अगर आपको मजा आया हो, आप अपनी हंसी को रोक ना पाए तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि थोड़े बहुत मुझे व्यूज़ मिले, मुझे पता चले कि किस तरह के वीडियोज़ बनाने हैं। तो किसी एक व्यक्ति को ही, एक व्यक्ति को भी शेयर करो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।